अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां है शेफ फैसल। तां दिसो पे कुकिंग शो, उम्मीद है सब खैरियत से हुंदा। मज़ेदार रेसिपीज रमज़ान जी हमेशा तां जे ला खणी ईंदा आहियूं। काफ़ी सारी वैरायटी तव्हांखे ठाहिण सेखारी आहे। अॼु बि मज़ेदार रेसिपी ठाहियूं पिया, मिर्ची रोल। मिर्ची रोल छा हूंदी आहे? जीअं समोसे जी पटी खे असां रोल कंदा आहियूं, हुनमें कीमो भरे मिर्च ठाहींदासीं। ऐं इहा रेसिपी असां ठाहियूं पिया तलो कुकिंग ऑयल, तलो बनस्पति घी, वाइटमिन ए डी ई खां भरपूर, लो कोलेस्ट्रॉल ऐं ओमेगा 3 मौजूदु आहे। बनस्पति घी जे अंदरि तमामु बहितरीन, जंहिंमें तव्हां पराठा ठाही सघो था। मिल्क पैक डेरी फ्रेश क्रीम, मिल्क पैक नेस्ले जी डेरी फ्रेश क्रीम तमामु बहितरीन आहे, जंहिंमें तव्हां मिठा ठाहींदो। ऐं हुन सां गॾु असां आइसक्रीम्स ठाहियूं था, फालूदो ठाहियूं था, काफ़ी सारी अहिड़ी शयूं ठाहियूं था जेको डेरी फ्रेश क्रीम सां गॾु हूंदियूं आहिनि। मशरूब मशरिक रू अफ़ज़ा तमामु बहितरीन ड्रिंक आहे, जंहिंमें असां शरबत ठाहींदा आहियूं। ऐं 110 सालनि खां हिन जी मैन्युफैक्चरिंग हले पई, ऐं 25 ममालिक में इस्तेमालु थींदो आहे। हिनखे तव्हां लस्सी सां गॾु, खीर सां गॾु, गरम खीर में ॿारनि खे ॾेई सघो था। ऐं सियारे में बि तव्हां हिनखे खीर में विझी पी सघो था। जेके ॿार खीर नथा पीअनि हुननि खे रू अफ़ज़ा विझी ॾियो त ॾाढो सुठो हुनमें फ्लेवर ईंदो आहे। मलका फूड असां सां गॾु आहे, मलका फूड में वसी रेंज आहे, जंहिंमें अदरक थूम जो पेस्ट आहे, हिमालयन पिंक सॉल्ट आहे, हुनजे अलावा काफ़ी वसी रेंज आहे मसालनि जी, जंहिंमें कढ़ाई गोश्त, चपली कबाब, बम्बई बिरयानी आहे, दहली निहारी आहे, अचार गोश आहे, हुनजे अलावा कोरमो मसालो आहे, सयूं आहिनि। सयूं ईद अचे पई त असां इस्तेमालु कंदा आहियूं। खीर मिक्स तमामु बहितरीन आहे, ख़ासिकर खीरणी जॾहिं ठाहिबी आहे, काफ़ी नंढा वॾा ॾींहं ईंदा आहिनि त असांखे खीरणी जी ज़रूरत पवंदी आहे, त तमामु बहितरीन जी रेसिपी ठहींदी आहे। एनएक्स असां सां गॾु आहे, एनएक्स में जूसर, ब्लेंडर, चॉपर, हैंड बीटर, हैंड मिक्सर, माइक्रोवेव ओवन, इहे सभु शयूं मार्केट्स में अवेलेबल आहिनि। अॼु की रेसिपी ठहे पई चिली यानी मिर्ची रोल ठाहियूं पिया, हुन सां गॾु ठाहियूं पिया तरबूज जो लस्सी, तरबूज जी लस्सी। लस्सी असां डिफरेंट क़िस्म जी पीअंदा आहियूं, लेकिन हिंदाणे जी लस्सी तमामु मज़ेदार, ऐं हीअ ख़ासिकर सहरी में तव्हां पीअंदो तमामु सुठो तव्हांजो ॾींहुं गुज़रंदो। ठीकु आहे, आज की जो हम रेसिपी बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, इसकी फरमाइश भी थी मिर्ची रोल बनाना सिखाएं। तो मिर्ची रोल जो हम बना रहे हैं वो मिर्च के जो बड़ी जर्मन मिर्च होती है उसके अंदर फिलिंग होगी कीमे की, उसके बाद पट्टी जो होती है रोल पट्टी समोसे की, उससे इसको रोल करेंगे, देन इसको फ्राई करेंगे। और ये फ्राई होगी तलो कुकिंग ऑयल, तलो बनस्पति घी के साथ, विटामिन ए डी और ई से भरपूर, लो कोलेस्ट्रॉल है, ओमेगा 3 मौजूद है। शानदार बचत, रमज़ान की बचत पैकिंग में दस्तियाब है। और इसके साथ हमारे पास है नेस्ले मिल्क पैक डेरी क्रीम, बेहतरीन क्रीम है। जब हम फालूदा बनाते हैं, आइसक्रीम्स बनाते हैं, कुल्फियाँ बनाते हैं या फ्रूट कस्टर्ड बनाते हैं, ख़ासकर अब फ्रूट चाट जब हम क्रीमी बनाते हैं तो डेरी फ्रेश क्रीम मिल्क पैक की नेस्ले जो क्रीम है आप वो यूज़ करें। मशरूब मशरिक रू अफ़ज़ा बेहतरीन शरबत है और हर दस्तरखान पे इसकी ज़रूरत होती है, ख़ासकर लाल शरबत ज़रूर होना चाहिए दस्तरखान पे, बड़ा मज़ेदार होता है। इसको आप डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं, दूध में, लस्सी में, काफ़ी ड्रिंक्स के साथ। आज भी मैं इसके एक ड्रिंक बना रहा हूँ, लस्सी बना रहे हैं तरबूज की लस्सी। काफ़ी लोग तरबूज और दही या दूध साथ अवॉइड करते हैं, लेकिन लस्सी बहुत ज़बरदस्त बनती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि ये इसकी तासीर बहुत ज़बरदस्त और ठंडी होती है, ख़ासकर रमज़ान के लिए। मलका फूड की वसी रेंज है, जिसमें अदरक लहसुन का पेस्ट है, पिंक हिमालयन सॉल्ट है, उसके अलावा काफ़ी सारे रेसिपीज़ की जो हमारे पास रेंज है, जिसमें चपली कबाब है, बम्बई बिरयानी है, दिल्ली निहारी है, उसके अलावा अचार गोश है, कोरमा है, कढ़ाई गोश वगैरह, बहुत सारी वसी रेंज है। सवैयाँ, ख़ासकर ईद आ रही है तो सवैयों की ज़रूरत पड़ती है। खीर मिक्स ईद पे बनाएं, मलका फूड की पैकेट मिल रही है। एनएक्स हमारे साथ है, एनएक्स में जूसर, ब्लेंडर, चॉपर, हैंड बीटर, हैंड मिक्सर आपके सामने यूज़ करता हूँ। किचन में चलते हैं और रेसिपी करते हैं स्टार्ट। और बिल्कुल क्विक और इजी रेसिपी है। जर्मन मिर्च आपको पता होता ही बड़ी वाली मिर्चें होती हैं, ठीक है, जर्मन मिर्च होंदी है वड़ी वाली मिर्च, ये 10 खां 12 खणंदासीं। हिनके कट लगाए पो कट लगाए बिज कटण की ज़रूरत ना है, इसको कट लगा के इसके बीज निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्पाइसी नहीं होती, जस्ट फ्लिंग के लिए होती है, ख़ासकर जब हम पकौड़ों में यूज़ करते हैं या इसके अंदर कीमा वगैरह भर के किसी भी तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो 10 से 12 अदद जर्मन मिर्च है, कट पूरा डीप नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ तक कट आपने आधा इंच छोड़ना है। अगर हमने पूरा बाहर तक कट लगा दिए, खुल गया, तो इसको रोल जब करेंगे तो मसाला बाहर आ जाएगा, ठीक है। कट सेंटर में लगाए जो, थोड़ा साइड छॾी वठिजो, ठीक है, धोइण खां पोइ कट लगाए जो, ऐं हे साइड्स पूरा न खोलिजो, न त छा थींदो रोल करण में तव्हांखे ॾुखियाई थींदी। इसके लिए हमने क्या लेना है, चॉपर लेना है एनएक्स का, ठीक है, एनएक्स का चॉपर लेते हैं। और बिल्कुल सिंपल और ईजी मसाला हम इसमें डाल रहे हैं, कौन सा, चिकन टिक्का मसाला, मलका फूड का चिकन टिक्का मसाला यूज़ करें। अगर मलका फूड का नहीं तो किसी भी ब्रांड का आपने चिकन टिक्का मसाला ले लेना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसमें डालनी है एक मीडियम साइज़ की प्याज, ठीक है, मीडियम साइज़ मीन्स के एक कप जितनी प्याज होनी चाहिए चॉप की हुई, एक गंढ बसर जी एक कप जितनी या उनका थोड़ी घटी के दरमियाने साइज़ जी बसर,
और 4 खाने के चम्मच हरा धनिया चॉप किया हुआ और 2 अदद मोटी वाली हरी मिर्चें जो हम कढ़ाई गोश्त में यूज़ करते हैं। बारीक वाली हरी मिर्च होती है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाती है। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ऑनर कहाँ से बात कर रहे हैं? हरिपुर से बात कर रही हूँ। हरिपुर से जी। कैसी हैं आप? ठीक हैं? रोज़े कैसे जा रहे हैं आपके? अच्छे जा रहे हैं भाई। आप सुनाएं, आपके कैसे जा रहे हैं रोज़े? मेरे अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। हरिपुर का मौसम कैसा है? अच्छा भाई। कोई फरमाइश करनी है आपने? नहीं नहीं, बस आपसे बात करनी थी। चलें ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर कॉलिंग। ओके जी, ठीक है। यहाँ पे हमने 4 खाने के चम्मच हरा धनिया डाला, 2 अदद मोटी वाली हरी मिर्चें डालेंगे। अगर बारीक तेज़ है तो वो आपने एक डालनी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना है, ठीक है। एक मीडियम साइज़ का प्याज कटिंग करके डाल दिया चॉपर, अगर चॉपर नहीं है तो इमाम दस्ते में भी कूट सकते हैं, सिल बट्टे पर बना सकते हैं, या फाइन चॉप करके एक चॉपिंग बोर्ड पर या हाथ से भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि चॉपर के बगैर आप ना बनाएं, ठीक है। चॉपर अगर ना है तो आटा उखरी मोरी में कुटे बैठो या बारीक कटिंग करे बैठो, एनर्जी मिक्स करने जला। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे है मेरे पास 1 पाव चिकन है, बॉनलेस सीने का पीस ले लेना है, बोटियाँ, इसको आपने अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच डाल के 1 कप पानी के साथ हल्की आंच पे बॉयल करना और पानी इसका ड्राई कर लेना, ठीक है। 1 पाव चिकन बॉनलेस है, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 कप पानी के साथ आपने इसको बॉयल करके इसका पानी ड्राई कर लेना है। नमक इसमें नहीं डाला है। 1 पाव चिकन आहे बॉनलेस, ठीक है, बगैर हड्डी जे होने के तां बॉयल कंदो, अदरक थूम जो पेस्ट 1 खाइण जो चमचो विझी और 1 कप पानी से, अगर पानी खुश्क थी वने तो इनके कढ़ी वठजो। और अगर बॉनलेस नहीं मिलती तो सीने का पीस वैसे ले लें या लेग पीस भी लेके उसको भी आप हड्डी के साथ बॉयल कर लें, वो फिर आपने वज़न में 1.5 पाव लेना है, क्योंकि हमें 1 पाव चिकन चाहिए तो हड्डियाँ निकाल के तो वो 1 पाव बनेगी, ठीक है। अगर हड्डी वाली चिकन है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, हड्डी वाली चिकन है तो वो भी यूज़ कर सको तो 1.5 पाव। अभी हमने इसमें डाल दी है चिकन 1 पाव, ठीक है। अब मैं इसमें क्या डाल रहा हूँ, चिकन टिक्का मसाला। चिकन टिक्का मसाला आप किसी भी ब्रांड का लेंगे, मैं मलका फूड का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। चिकन टिक्को मसालो कहीं भी कंपनी जो तुम वी सको था, साशे भी मिले तो पैकेट भी मिले, तो साशे भी मिलता है पैकेट भी मिलता है। तो आपने ये कितना डालना है इसमें, 2 टेबल स्पून भर के चिकन टिक्का मसाला हमने डाल दिया 2 खाने के चम्मच। चटपटा बनाना है क्योंकि भरी हुई मिर्चें हम स्पाइसी बनाते हैं, तो उसके लिए मैं इसमें डाल रहा हूँ चाट मसाला, ठीक है। चाट मसाला 1.5 चाय का चम्मच, चाट मसालो 1.5 चाय जो चमचो, 1.5 चाय का चम्मच चाट मसाला, 2 खाने के चम्मच चिकन टिक्का मसाला, ठीक है। ये डालने के बाद हम इसको चॉपर में चला लेंगे। चॉपर में चल के बिल्कुल बारीक हो गया और सारे स्पाइसेस इसके अंदर मिक्स हो गए हैं, ठीक है। चॉपर में विझी छो, बारीक थी वो इनके अंदर सजा मसाला मिक्स थी वे, ठीक है। बिल्कुल इजी, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बिल्कुल इजी रेसिपी है, आराम से आप बना सकती हैं। मिर्ची रोल, इसी मसाले को लेके आप समोसों की पट्टियाँ लेके समोसे भी बना सकती हैं चिकन के, ठीक है। वो होंगे चिकन टिक्का समोसे कहलाएंगे, क्योंकि जस्ट इसमें चिकन टिक्का मसाला मैंने यूज़ किया। चिकन टिक्का मसाला हर जगह मिल जाता है और ये बड़ा मज़ेदार होता है। ये हमने डाल दिया इसके अंदर सारा मसाला, देखिए इस तरह बारीक होना चाहिए मसाला कुटा हुआ, ठीक है। इन तरीके से आप उजड़ खपे मसालो। एक और ऑप्शन आपको बता दूं कि इसी तरह मसाला बना के आप क्या करें, पराठों के अंदर फिल कर दें, ठीक है। पराठे 2 रोटियां बेली, उसके अंदर आपने मसाला लगाया, उसके ऊपर दूसरी रोटी रखी, किनारे बंद किए, आप इसका पराठा सेम मेथड से पराठा भी बना सकती हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप समोसों की भी फिलिंग कर सकती हैं, दूसरा ऑप्शन। और तीसरा ऑप्शन इसका क्या है कि इसको आप 4 से 5 खाने के चम्मच ऑयल गर्म करके इस मसाले को आप भूनें, भूनेंगी 5-6 मिनट तक, भूनने के बाद इसी मेथड को, ठीक है, भूनने के बाद आपने निकाल लेना। आप इसको रोटी के साथ, चपाती के साथ, चावल के साथ खाएँ, बड़ा ज़बरदस्त ये आपको कीमा मिलेगा, चिकन का चटपटा कीमा, ठीक है। तो इस तरह मैंने ऑप्शन बता दिए हैं, जो ऑप्शन बुधाई छड़िया हैं, इनके तां समोसन के अंदर भरे सको था, इनके तां मिर्च के अंदर हाणो भरूँ पिया, इनके तां मसालो पराठन के अंदर भी भरे सको था, पराठा बठाई वेले उनके अंदर ही पराठे के बीच में रखी, साइड्स बंद करे इनके करे सको था। इसके अलावा आप इसको इनके तां ऑयल से अगर फ्राई करे भी खाई सको था इन कीमे के, ठीक है। तमाम बेहतरीन थे। और जब आप इसको सिर्फ कीमा बना रही हैं
तो फिर आपने क्या करना है, भून के इसमें आपने 4 खाने के चम्मच दही डाल देना है। 4 खाने के चम्मच दही डाल के भूनेंगी तो इसका बैलेंस हो जाएगा मसाला। अब इसमें हम डालेंगे लेमन जूस आखिर में, ठीक है। लेमन जूस इसमें कितना जाएगा, 2 से 3 खाने के चम्मच, क्योंकि मिर्चें हैं, मिर्चें जब हम भरी हुई बनाते हैं तो उसको बड़ा चटपटा करके बनाते हैं, तो ये जो मसाला है कीमा इसको भी हमने बड़ा ज़बरदस्त सा चटपटा करके बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बड़ा लेमन था, 3 खाने के चम्मच जितना लेमन का जूस चला गया। 1 टेबल स्पून लीमे जो रस हली हो, ये देखें ज़्यादा लेमन जूस जाएगा क्योंकि इसमें चाट मसाला है, इसमें चिकन टिक्का मसाला है, तो ये बड़ा ज़बरदस्त सा बनेगा, ठीक है। ये हो गया, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको करेंगे अच्छी तरह मिक्स मसाले को लेमन के साथ, ठीक है, चंगी तरह मिक्स कर दो लीमे से कर दो। अब ये परफेक्ट मसाला बन गया है मिर्च के अंदर भरने का, क्योंकि चाट मसाला भी इसके अंदर डाला गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रोल पट्टी जो होती है, समोसा पट्टी मैंने आपको बनाना भी सिखाई थी, मांदा पट्टी भी मैंने बनाना सिखाई थी, ठीक है। तो आप उसी को फॉलो करते हुए आप यूज़ करेंगे मांदा पट्टी, ठीक है। मांदा पट्टी तो इनमें इस्तेमाल कर दो, वो भी बताता हूँ कि कैसी बनती हैं, बल्कि मिलती भी हैं समोसा पट्टी, समोसा रोल पट्टी, ये देखें अलग अलग करके आराम से खोल के आपने रखनी है। बाकी तरीका मैंने बता दिया, या तो ये कर दें, या फिर आपने 3 कप आटा मैदा लेना है, उसको छान लेना है, 3 खाने के चम्मच बनस्पति घी डालना है और थोड़ा सा 1/2 टीस्पून से कम नमक डाल के मैदा गूंद लेना है, अच्छी तरह आटा गूंद के 1/2 घंटा रखना, उसके बाद उसकी रोटी बेलनी, खुशका लगा के पतली पतली रोटी बेल के उसमें इस तरह 3 इंच स्केल होते हैं बच्चों के, जो स्कूल में हम यूज़ बच्चों के स्कूल के लिए लेते हैं छोटे वाले स्केल, उसमें इंचज़ होते हैं, तो 3-3 इंच के निशान लगा के आपने स्ट्रिप्स काट लेनी, रोटियों से पट्टियां काट लेनी, तो वो पट्टियों में भी आप रोल कर सकते हैं, नहीं तो ये मिल जाती हैं बेकरीज वगैरह पे, इस तरह की समोसा पट्टियां मिलती हैं, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर समोसा पट्टियों मिलन थी तो ये वेल एंड गुड है, ज़रूर ये इस्तेमाल करो। अगर ये न थी मिलन तो वो 1 कप तव्हां खणंदो अटो मैदो, हुनखे छाणजो, हुनमें थोड़ो ऑयल विझंदो या घी विझंदो 1/2 खाणिजो चमचो, थोड़ो लूणु विझी अटो गोईंदो सख़्त, पोइ हुनखे रखी छॾंदो 1/2 कलाक, हुनखां पोइ मानियूं जूं वेले वॾियूं वॾियूं सन्हियूं सन्हियूं मानियूं वेले, पोइ हुनजा कट्स करे 3-3 इंच जी पट्टियूं कटे वठिजो, इलाही वॾियूं न हुजनि, नॉर्मल साइज़ जो हुजनि, ठीकु आहे, लंबाई में बि 8 इंच हुजनि ऐं चौड़ाई में 3 इंच, उन पट्टियुनि में तव्हां रोल करे सघो था। अब क्या करेंगे, ये जो मसाला है ये मिर्चों में भरना शुरू करते हैं। कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, कौन हो, कहाँ से बात कर रहे हैं? असल में लाइन में आज इशू चल रहा है थोड़ा ना, शायद इस वजह से कोई इशू बन गया होगा, कुछ कहना चाहिए? बात बता रही मैं आपको, कल असल में लाइन ख़राब थी, देखें कल मैंने कोई भी कॉल नहीं ली, मेरे ख्याल में एक कॉल आई थी बहुत मुश्किल से, आवाज़ समझ नहीं आ रही थी, कल लाइन में बहुत प्रॉब्लम थी, यहाँ से बहुत कोशिश कर रहे थे अटेंड करने की लेकिन वो नहीं ले पा रहे थे हम कॉल। ठीक है, और फैसल भाई मुझे ना आलू बुखारे की चटनी और ना इमली आलू बुखारे का ना शरबत बनाना, इमली आलू बुखारे का शरबत और आलू बुखारे की चटनी, चले मैं नोट कर लेता हूँ, 1-2 दिन में बना दूंगा, ठीक है। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, थैंक यू फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज़। देखें कीमे को हमने अच्छी तरह भरना है, मिर्च कड़क होता है, टूट जाता है, फट जाता है, साइडों से क्रैक्स पड़ जाते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। इसके अंदर आपने अच्छी तरह फ्लिंग करना है हल्के हाथ से, ये देखें अंदर तक फ्लिंग कर रहा हूँ, जहाँ तक मसाला आपसे जा रहा है आप इसमें मसाला डालते रहें, ठीक है। जिस तरह मसालों भरने पर उनके चंगी तरह भरन दो, फुल फिल करना है इसको, हल्का नहीं रखना है, खाली खाली ना होनी चाहिए। इसमें आपकी 12 मिर्चें बन जाएंगी, बड़े साइज़ की मिर्चें चुन के आपने लेनी है, ठीक है। ये देखें मैं भरता जा रहा हूँ, मिर्चों को रखता जा रहा हूँ, आपने चुन के लेनी है और बहुत आराम से खोलनी है। कुछ मिर्चें सॉफ्ट होती हैं, कुछ कड़क होती हैं, तो वो टूट भी जाती हैं, हल्के हाथ से आप खोल के रखेंगी तो ये आपने मसाला इसके अंदर भरते रहना है, ठीक है। मिर्चन के आराम से खोल जो, इलाइट सख्त होंदियों हैं, कदें नरम भी होंदियों हैं, तो इनके अंदर मसालो आराम आराम से विझंदा वेंदो, सजी मिर्च में मसालो भरणो। कॉल वठूँ था, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फैसल भाई, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, कौन हो, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? शायद कराची से बात कर रही हैं? नहीं जी, मैं घोटकी से बात कर रही हूँ। घोटकी से जी, कैसी हैं आप? आधा किलो चीकू
हाँ, आधा किलो चीकू, दो पैकेट फ्रेश क्रीम नेस्ले के, और आधा कप चीनी लेनी है। चीनी को आपने पीस के डालना है, जूसर ब्लेंडर में डाल के आपने चला देना है, फिर जिस डब्बे में डालेंगे, फिर एक चीकू लेके छोटे छोटे पीसेस करके उसमें मिक्स कर दीजिएगा। उसके बाद आपने इसको जमाना है 6 से 8 घंटे, फिर निकाल के दोबारा जूसर में चलानी है, सख्त हो जाएगी, फिर वो पेस्ट बन जाएगा, फिर जमाएंगी तो बहुत नरम और वो बनेगी, क्रीमी बनेगी। ठीक है, ठीक है, ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थोड़ा सा मुझे पूछना था और बस, अगर आप वो बाद में टाइम मिले ना तो वो जो दही बल्ले नहीं बनते, जी जी सख्त हो जाती है, मैं कल बनाऊंगा लाहौरी दही बल्ले बनाऊंगा, तो उसके दही बड़े कल बनाऊंगा, वो देखिएगा आप। ठीक है, ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ब्रेक जो टाइम थे माँ जैसे इनके फिलिंग के यहाँ, तो वटूँ तक शॉर्ट ब्रेक। ठीक है, जब तक ब्रेक का टाइम हो मैं इसकी फिलिंग करता हूँ, शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके पट्टियों के रोल चढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक ते उन्हनि खां पहिरीं तव्हांजे साम्हूं जेके रोल में मसालो भरियो, मिर्चनि जे अंदरि हो भरे छॾियो। ठीकु है, मिर्चों के अंदरि मसाला भर दिया, मसाला जो था ये 12 मिर्चों के बड़ी 12 मिर्चें भर जाएंगी। यहाँ पे मैंने 10 भरी हैं क्योंकि मेरे पास 10 मिर्चें थी, आपका जो मसाला है अभी भी बच गया है। ठीक है, अब इसको जो रोल पट्टी में हम लगाएंगे तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे लेना है 1/2 कप मैदा। 1/2 कप मैदे में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा गाढ़ी सी पेस्ट बना लेंगे, एक ये ऑप्शन है, या फिर 1 अदद अंडा बीट करके आप उससे भी कर सकती हैं। ठीक है, पेस्ट करे छो अच्छी तरह, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गाढ़ी सी पेस्ट, इससे भी बंद हो जाते हैं रोल पट्टी, या फिर 1 अदद अंडा। ठीक है, या तो 1 अदद मैदो खणी वट जो फेटे रखी छो, उन से भी बंद थी वेंदी, न तो 1/2 कप मैदो खणी इनके अंदर जे। हैदराबाद से कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। मां बिल्कुल ठीक ठाक, तुम बताओ कैं तबियत कि ठीक है? चिकन कढ़ाई, हाँ हाँ, तुम पर ना मुख्य फरमाइश करनी है, जरूर ठाए जो बुधाए जो मुख्य ना किए ठही चिकन जा सैंडविच मां फ्राई वाला ठाइंदम वो ता दिस जो। ठीक है, सैंडविच ठाई उनके सा डीप फ्राई कंदा से। अच्छा ठीक है, सुबाने या परी ठाइंदा से इंशाल्लाह, दिस जो। ठीक है, अच्छा ओके जी, ठीक है ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा, ये मिर्ची रोल का देखें तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये हमने रोल की पट्टी ली, ठीक है, रोल की पट्टी ली, इसको मिर्च को ऐसे रखा, और आपने क्या करना है, जो जितना कट लगा हुआ कट को ज़्यादा आगे तक नहीं लाना है, कट 1 इंच आधा इंच छोड़ देना है, ताकि मिर्ची का जो मसाला है वो अंदर रहे पट्टी के, वरना पट्टी से बाहर आया तो ऑयल में जाएगा मसाला। ठीक है, मिर्च के कट इलाही डिगो न लगाए जो, न तो चाहती तो पट्टी का बाहर जो मसालो निकरंदो तो वो तो मसालो आए सजो ज़ाया थींदो, सड़ंदो, तेल भी ख़राब थींदो। अब इसको आपने इस तरह आधा रोल करना है, आधा रोल करने के बाद ये जो पेस्ट बनाया था ये उठाया, ये आपने इधर लगा देना है, जो पेस्ट आया ये लगाई छो पट्टी थे चंगी तरह, इसको आपने इस तरह आराम आराम से ये रोल किया, रोल करने के बाद इसको आपने चिपका दिया। सखर से कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मदा की कयो? मां बिल्कुल ठीक ठाक, ता मदा छ हाल है ता जा? ठीक है, अल्लाह ही शुक्रा जे, कुछ चैन चाहिंदो दीदी? ता ने प्रोग्राम ना रख छादा, मेहरबानी, जे का विषय ठाइंदा दादी की ठाइंदा ठाइंदा भी आयो? जी असन ट्राई भी करना है घर में। अच्छा, दादी सिटी खान दिया, दादी सिटी खान दिया, मेहरबानी। यदि का फरमाइश है ता जी, वदा ओ दम वाली बिरयानी हो गया ना? हां इंशाल्लाह, बस दम वाली बिरयानी इंशाल्लाह ठाइनी है मुखे, हफ्ते वारे दी छंछर वारे दी ठाइंदा बिरयानी दिस जो। ठीक है, ठीक है ओके जी, थैंक यू। ये देखें अच्छी तरह बंद कर रहा हूँ, जितना कट लगा हुआ था उतने 3 इंच की पट्टी है, अगर आप रोटी बेल के पट्टी काट रहे हैं तब भी 3 इंच के स्केल से नाप के काटना है। देखें मिर्च का जो कट है वो अंदर चला जाए और ये पैक हो गई, ठीक है, रोल बन गया। यहाँ पे ऑयल भी गर्म करना शुरू कर देते हैं, तलो कुकिंग ऑयल में हम इसे डीप फ्राई करेंगे, ऑयल गर्म हो रहा है, बहुत ईजी है। ठीक है, 1/2 कप मैदा, उसमें आपने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पेस्ट बना लेना, या 1 अदद अंडा बीट करके उससे भी आप कर सकते हैं। अब ये जैसे बड़ी मिर्च आ रही है तो इसको भी कवर करेंगे आराम से,
हल्के हाथ से इसको बिल्कुल आपने ऐसे कवर करना है, फिर थोड़ा सा आड़ा कर दीजिएगा ताकि मिर्च का जो हिस्सा है वो पूरा अंदर चला जाए, ठीक है। कट वाला हिस्सा बाहर ना आए, उससे क्या होगा कि मसाला निकलेगा नहीं, बस इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ऑयल भी ख़राब नहीं होगा, मसाला जलेगा नहीं, और मिर्च के अंदर, मसाले के अंदर अगर ऑयल चला गया तो वो मिर्च ख़राब हो जाएगी। चंगी तरह इनके रोल कंदा वेंदव, ठीक है। ये पट्टियों मिली वेंदियों इन समोसन जो इतने जी ऑयल गर्म थी इनके साथ डीप फ्राई कंदासी, ठीक है। बहुत इजी है, इस तरह आपने उठाया। अगर टूट भी जाती है पट्टी कोई मसला नहीं, उसको आराम से आप रोल कर दें, और जहाँ से फट जाए, सेंटर से कट लग जाए, तो उसको आपने ये मैदे का पेस्ट लगा के आपने उसको बैलेंस कर देना है, तो वो उसमें पक जाएगा, सेट हो जाएगी, ठीक है। और यूँ दबा दबा के करना है, लेकिन पट्टी टूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। मिर्च मसा जाए तो ठाई दो ना पियो, इनके पुता फ्राई कंदा रहो। आई अगर कीमो न था भरो तो पांजो मसालो भी जी ठाई था इनके अंजंदर करे सको था, ठीक है। अगर कीमे वाला मसाला नहीं बना रहे तो आप जैसे चटपटा मसाला बना लें, वो भी आप इसके अंदर भर सकते हैं। बीफ का कीमा यूज़ करना चाहती हैं तो बीफ का कीमा भी आपने इसी तरह बीफ की बोटियाँ बॉयल करनी है अदरक लहसुन के साथ एक पाव जितनी, फिर उसको आपने चॉपर में डाल के सेम तरीके से चलाना है, और इसी तरह चिकन टिक्का मसाला उसमें लगाना है, और सेम उसी प्रोसेस से आपने इसको गुजारना है, ठीक है। कट बस ये ख्याल कीजिएगा कि मिर्ची पे जो कट लगा रहे हैं वो दोनों साइड से बिल्कुल एंड तक ना लगे, वरना मसाला बाहर आ जाएगा। रेसिपी रिपीट करा रहा हूँ इसकी, ठीक है। एक पाव हमने लिया चिकन बोनलेस, या हड्डी वाला है तो डेढ़ पाव ले लें, उसको एक खाने के चम्मच अदरक लहसुन के साथ एक से डेढ़ कप पानी डाल के आपने बॉयल कर देना है, पानी खुश कर देना है, चिकन गल जाएगी। अगर हड्डी वाला है तो उसकी बोटियाँ अलग कर दीजिएगा, बगैर हड्डी के तो एक पाव नहीं चाहिए। चॉपर में डालेंगे सबसे पहले एक बड़ा प्याज, मीडियम साइज़ का, एक कप जितना प्याज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसमें आपने डालना है दो मोटी वाली हरी मिर्चें तो दो, बारीक है तो एक, ठीक है। हरा धनिया डाल देना है चार खाने के चम्मच, उसको आपने थोड़ा चला देना है। फिर उसके बाद आपने चिकन डाल देनी है, दो खाने का चम्मच चिकन टिक्का मसाला डालना है, और चिकन बॉयल डाल दी एक पाव, ठीक है, अदरक लहसुन के साथ बॉयल हुई होगी, और चाट मसाला दो चाय के चम्मच डालेंगे, ठीक है। उसको आपने चला देना है, चॉपर में चलाने के बाद आपने इसको निकाल देना है, बॉल में निकाल के फिर आपने तीन खाने के चम्मच लेमन का जूस डालना है इसके अंदर, ताकि वो चटपटा हो जाए मसाला। उसके बाद आपने इस मसाले को फ्लिंग करना है, ठीक है, इस तरह मिर्चों के अंदर। और जर्मन मिर्ची है, सॉरी, जर्मन मिर्चें मिल जाती हैं मार्केट में, आजकल आई हुई हैं, तो ये आपने यूज़ करनी है, ठीक है। मसालो चाय इनके अंदर चिकन असा खाई बगैर हड्डी जो एक पा, या हड्डी वाली है तो डेढ़ पा खाण जो सीने जी, उनके एक खाण जो चमचो अदरक थूम जो पेस्ट लगाए, एक कप डेढ़ कप पानी से अगर बॉयल कर जो पानी खुश कर छो, अगर हड्डी वाली चिकन है तो बूटियों अलग करी छो, हड्डी का धार करी छो, अगर बोनलेस आए तो पो थदियों करे, उनका पो चॉपर मशीन में ता एक गंड बसर जी विझंदो, ठीक है। उनका पो ता छा कंदो, उनमें विझंदो सावा धाणा चार खाने जो चमचो, बदद मोटा सावा मिर्च विझंदो, उनके हलाइंदो, पो चिकन विझंदो, उनके उनमें विझंदो चिकन टिक्का मसाला ब खाण जो चमचा, चाट मसालो ब चाय जो चमचा, या एक खाण जो चमचो विझी हलाई छो, चंगी तरह सफा मिक्स थी वो उनके बाद तक प्याले में कटी, उनमें लीमे जो रस विझो टे खाने जो चमचा, मिक्स करे पो मिर्चन में भरी छो। अगर चॉपर ना है उखरी मोरी में भी करे सको था, ठीक है, इनके उखरी मोरी में कुटे भी ठाई सको था, कोई मसलो ना है मसाले के बसर के, इनके बारीक कटिंग करे कुटे पोता इनके विझी सको था। अगर ये नहीं है मशीन तो इमाम दस्ते पे कर लें, सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं आप इसको, हाथ से भी कर सकते हैं, ठीक है। फिलिंग आपने बस अच्छी करके बनानी है। ये हो गई हमारी मिर्ची तैयार, ये सब हटाते हैं, और इसके बाद अब हम ऑयल का टेम्परेचर चेक करते हैं, ठीक है। ऑयल जो टेम्परेचर चेक किया था, छोटा सा पीस मैंने रखा हुआ है इसी रोल पट्टी का, ये थोड़ा सा इसके अंदर डाल के देखेंगे, ये देखें ये ऊपर आ गया, ये ऑयल तैयार है, ठीक है। ऑयल में धुआं नहीं निकलना चाहिए, बस इतना गर्म हो ऑयल आपका के फ्राई होने लगे और बबल्स बनना शुरू हो जाए इस पर, ठीक है। अब इसको निकाल लेते हैं, ये देखें बिल्कुल सही है, ऑयल गर्म है, क्योंकि पट्टियों को हमने फ्राई करना है, मिर्च को भी मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करना है, मिर्च कच्ची ना रहे, ठीक है। बाकी अंदर का मसाला फिलिंग वाला सही है। अभी मिर्च उठाते जाएं, उसमें एक एक मिर्च इस तरह डालते जाएं। स्टिक्स नहीं तोड़नी, और जब मिर्चें ख़रीदने जाएंगे तो स्टिक के साथ मिर्चें होनी चाहिए, देख के लीजिएगा, टूटी हुई बगैर स्टिक के मिर्च नहीं लेना, फिर उसमें क्या होता है इसकी खूबसूरती भी नहीं आती, और पकड़ने में भी इसको आराम से या ईजी रहती है, ठीक है। अभी मिर्चें फ्राई होती रहेंगी, दो पोर्शन में करके फ्राई करते हैं, पाँच अलग पाँच अलग,
ठीक है, अब ये फ्राई होती रहेंगी क्योंकि मिर्ची कच्ची ना हो, ये ना आप मिर्ची खाएं तो वो अंदर से कड़च कड़च कर रही हो कच्ची, और ऊपर से पापड़ी इसकी तैयार हो जाए। तो मीडियम फ्लेम पे हमने इसको बनाना है ताकि मिर्ची भी अंदर से पक जाए, गोल्डन हो जाए, और इसकी जो रोल पट्टी है ये बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक सी रेसिपी है। कल हम बनाएंगे लाहौरी दही भल्ले। लाहौरी दही भल्ले की फरमाइश थी एबटाबाद से, और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। उसके साथ हरी चटनी होती है, लाल चटनी होती है, खुबानी की चटनी बनती है, बड़ी ज़बरदस्त दही भल्ले लाहौरी वो बनाएंगे, फेमस रेसिपी है पंजाब की। ठीक है, साथ कुछ और भी एक अच्छी सी डिश बनाएंगे, और फिर इंशाल्लाह परसों से खाने स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, खानों की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, बिरयानियाँ सैटरडे को हम बिरयानी बनाएंगे, दम वाली बिरयानी, बहुत ही ज़बरदस्त मसालेदार दम वाली बिरयानी बनाएंगे। फिर संडे मंडे ट्यूसडे आहिस्ता आहिस्ता रेसिपीज़ ईद के हिसाब से खाने शुरू कर देंगे। कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, मैं आपके हर प्रोग्राम देखती हूँ, बहुत पसंद है मुझे आपके तमाम प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया, जजाक अल्लाह, थैंक यू। कौन सी सिटी से बात कर रही हैं, कौन बात कर रही हैं आप? कराची से बात कर रही हूँ, बानो। कहाँ से? कराची से। कराची से, आप कैसी हैं, ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ जी। कुछ कुछ कहना चाहेंगी? बुखारे की और उसका शरबत बनाना बता दें बेटा मुझे। किसका शरबत? आलू बुखारे और इमली का। आलू बुखारे इमली का शरबत मैं परसों बनाऊंगा, आप देखिएगा। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। इमली आलू बुखारे का शरबत परसों बनाएंगे, दो फरमाइशें आ चुकी हैं इसकी, तो वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। ठीक है, इमली आलू बुखारे का शरबत बहुत ही मज़े का बनता है, और यहाँ पे भी मिल रहा होता है, लेकिन लाहौर में बहुत ज़्यादा ये फेमस है। फैसलाबाद लाहौर में जब गर्मी आती है, इमली आलू बुखारे का शरबत जगह जगह मिल रहा होता है, बड़ा मज़ेदार होता है। अच्छा, अब इसको पलटाना शुरू करेंगे। ठीक है, हाँ, इनके पलटाएँ शुरू करना से ढिसो इनके माँ इलाही तेज़ बाए थे ना पे पहुँचाएँ, ताकि इन जो कलर भी गोल्डन थी उन्हें, और मिर्च भी अंदरा नरम थी उन्होंने। ठीक है, और ये मिर्च फीका होता है, बहुत ही मज़ेदार होता है। ये आलू भरा मिर्च भी मैंने यही आपको बनाना सिखाए थे, और आज मैंने रोल मिर्ची रोल बनाई है। ठीक है, कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? कैसी हैं आप? ठीक है, हाँ हाँ मैं समझ गया, कैसी हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। सर आपने खीर तो अभी तक नहीं बनाई। क्या कोफ्ते? खीर। खीर जी जी, खीर मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा कुछ दिनों में, मंडे संडे मंडे में, इन्हीं दिनों में बनाऊंगा। ठीक है, बस दो दिन के बाद हम खाने बनाना शुरू करेंगे। खीर है, फ्रूट ट्राइफल वगैरह इस तरह की ईद की सारी। आलू बुखारे की चटनी भी, आलू बुखारे की चटनी भी बनाऊंगा, और इमली कौन सी वाली? चारों मगज जले हुए होते हैं। चार मगज वाली, ठीक ठीक ठीक, इंशाल्लाह दो तीन कल या परसों ही बना देता हूँ। ठीक है, ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। हाँ जल्दी बना दूंगा, क्योंकि अब रमज़ान जा रहा है, और हमें आज 18 रोज़े हो गए हैं, 12 या कभी 11 भी हो जाते हैं, 29 भी हो जाते हैं, तो इंशाल्लाह ये बना दूंगा कल या परसों। ठीक है, ताकि आप लोग रोज़ों में इंजॉय कर सकें। इसको पलटाते जाएंगे आराम से। अच्छा, ये पलटती नहीं है, ये घूमती रहेंगी एक ही तरफ, कचोरियों वाला हिसाब है इसका भी, जैसे कचोरियाँ होती हैं एक ही तरफ घूम के रह जाती हैं, ये भी एक ही तरफ घूम के रह जाती हैं। ठीक है, तो आपने ख़ुद इसको आहिस्ता आहिस्ता घुमाना है, कढ़ाई को बहुत एहतियात से पकड़ के या देख के कीजिएगा, कढ़ाई कभी कभी स्लिप भी हो जाती है। ठीक है, ये बहुत एहतियात से काम किया करें। कॉल बटूँ था, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो, आपकी आवाज़ समझ नहीं आ रही मुझे बिल्कुल भी ना, प्लीज़। हेलो, आप यूँ करें कंट्रोल रूम में बात करें, आपकी आवाज़ ना मुझे समझ नहीं आ रही कुछ कहना सर। चिकन कढ़ाई हमने कल बना ली है, आज सुबह रिपीट भी चला था। ठीक है, और पेज पे आप देख लें, कुकिंग विद फैसल आप यूट्यूब पे सर्च करें तो वहाँ पे आप मिल जाएगी। ठीक है, अब ये देखें इसका कलर बड़ा ज़बरदस्त गोल्डन आ रहा है, और मैं इसको निकाल के दूसरा पोर्शन डाल रहा हूँ, जब तक हम लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। अच्छा, समोसों का कलर आना चाहिए। ठीक है, एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, उस दौरान मैं इनको बाकियों को फ्राई कर दूँगा, ब्रेक के बाद आके तरबूज की लस्सी बनाएंगे। फिर शॉर्ट ब्रेक वठूँ था, जैसे मैंने फ्राई करी बो बेज विझंदासी, वो फ्राई कंदासी, तेसि ताईं वठूँ तकड़ी ब्रेक, ब्रेक खां पोइ तरबूज जो शरबत ठाहींदासीं।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हांजे साम्हूं मिर्ची रोल हिते मां फ्राई कयूं आहिनि। इहे आप देख सघते मिर्ची रोल कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ये फ्राई कर दिए, निकाल के एक दफ़ा आपने टिशू पे रखना है या छन्नी में डाल के रखना है ताकि इसका एक्सेस ऑयल निकल जाए। इसके अंदर ऑयल होता है पट्टियों में। उसके बाद फिर आपने प्लेटर में रखनी है, ठीक है। इसको आप टोमेटो केचप से खाएँ सिर्फ प्लेन, तब भी बहुत अच्छी लगेगी। हाफ कप टोमेटो केचप, हाफ कप प्लेन मायोनीस, ठीक है। हाफ कप टोमेटो केचप, हाफ कप प्लेन मायोनीस, दोनों को मिक्स करें। डिप सॉस बन जाएगा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। या हाफ कप मायोनीस, हाफ कप चिली गार्लिक सॉस, वो मिक्स करके रख दें इसके साथ, बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप चटनियों के साथ, वैसे चटनी के साथ खाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वैसे ही ऑलरेडी स्पाइसी और चटपटी हैं, तो इसी तरह डिप सॉस के साथ अच्छी लगेंगी, ठीक है। हिंसा गड अध कप टोमेटो केचप और अध कप मायोनीस प्लेन मिलंदो आहे, वो विझी छॾो, मिक्स करे छॾो, उन सां खाई सघो था। या अधु कप चिली गार्लिक सॉस या अधु कप मायोनीस मिलाए भी ज़बरदस्त जो कॉम्बिनेशन थींदो, उन सां खाईंदो ॾाढो मज़ो ईंदो। ख़ैरपुर सां कॉल वठूं था। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अदा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अदी, छा हाल आहिनि तव्हांजा? जी कुझु चवणु चाहींदो? अच्छा, हाणे ॾिसो पिया जी जी अदी, मिर्चिन जा पकौड़ा न आहिनि, मिर्ची जा रोल आहिनि अदी। जी को फरमाइश करणी आहे? बिरयानी छंछर वारे ॾींहुं ठाहींदासीं अदी, ॾिसजो, ठीकु आहे? छंछर वारे ॾींहुं इनशाला। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, ये रोल बन गए हमारे, मिर्ची रोल तैयार हो गए। रेसिपी मैंने बार बार रिपीट कराई है, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप लोग देख लीजिएगा सुबह 9 बजे रिपीट में, ठीक है। बस इतने ही हूँ, बाकी जो मत्था रखी था चलो। 10 अदद हैं ये मिर्च, ठीक है। 12 अदद का मसाला जो मैंने बनाया है वो 12 अदद का है, लेकिन मेरे पास मिर्चें 10 थी तो मैंने 10 को ही फिल किया, ठीक है। हे मिर्ची जेका आहे, मिर्ची रोल तमामु बहितरीन ठही वई आहे। हिनखे तव्हां खाईंदो पोइ ॿुधाइजो की कीअं लॻी तव्हांखे। बहुत ही ज़बरदस्त, बड़ी यूनिक रेसिपी है। और अब हम बनाएंगे तरबूज की लस्सी। तरबूज की लस्सी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, बहुत ही डिफरेंट, और इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। आप सहरी में पिएँ, अफ्तारी में पिएँ, बिल्कुल डिफरेंट सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत से लोग मना करते हैं कि तरबूज के साथ दूध, तरबूज के साथ दही नहीं खाना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना कुछ मसला होता है। ये ड्रिंक्स मिलती हैं, लोग पीते हैं, मैं भी बना के पी चुका हूँ काफ़ी दफ़ा और बहुत ही मज़े की लगती है, ठीक है। तो ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तरबूज की लस्सी। तो इसके लिए हमने क्या क्या लेना है ये मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। इसके लिए ये मैं अभी 2 सर्विंग कर रहा हूँ, 2 ग्लास की, ठीक है। 2 ग्लास ठाऊँ पिया, जग लेंगे एनएक्स का जूसर ब्लेंडर। इसमें हमने डाल देना है तरबूज। तरबूज कितना है मेरे पास, ये 2 से 3 गिलास जितना का, यानी एक बड़ा प्याला तरबूज होना चाहिए, ठीक है। अब वो मर्ज़ी तरबूज आप कितना कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा होगा। पानी नहीं डलेगा इसमें क्योंकि तरबूज का अपना ही पानी होता है, ठीक है। 20 सारे आपने निकाल लेने तरबूज के। उसके बाद हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी कितनी जाएगी, 2 से 3 खाने के चम्मच, क्योंकि ये हम ड्रिंक जो बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं रूह अफ़ज़ा के साथ, ठीक है। दही इसमें जाएगा पूरी 1 पाव, 1 कपा दही, 3 खाने जा चमचा खंड, सही है, 1 कपा दही, 3 खाने जा चमचा खंड। तरबूज फ्रीज़र में रख के ठंडा करके डालेंगी तो ज़्यादा अच्छा बनेगा, या फिर इसमें अगर आप बर्फ़ डालना चाहती हैं तो थोड़े से आइस क्यूब्स डाल दीजिएगा, ठीक है। इसको हम चला देंगे। थोड़ा थोड़ा करके इसको, नीचे पानी नहीं है, तरबूज का अपना ही पानी है तो उसी में ये ब्लेंड होता रहेगा, ठीक है। इस तरह करके आपने बनाना है, ये बड़ी ज़बरदस्त और परफेक्ट लस्सी बनेगी बिल्कुल। थोड़ा थोड़ा इसका मिक्स करते जाएं, पानी नहीं डलेगा, फिर बता रहा हूँ, तरबूज का अपना ही पानी होता, उसी में ये बन जाएगा। ये हो गया। अब हम इसमें डालेंगे रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा हम कितना डालेंगे इसमें, 4 खाने के चम्मच, 4 टेबल स्पून इनमें विंदो रूह अफ़ज़ा, ठीक है। 4 खाने के चम्मच हम डालेंगे रूह अफ़ज़ा, मशरूब मशरक रूह अफ़ज़ा। इसी से इसका फ्लेवर आएगा, इसी से ये ज़बरदस्त इसका फ्लेवर निकलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। कुछ कहना चाहेंगी? प्रोग्राम देख रही हैं? जी कुछ फरमाइश है आपकी? जी आपको मेरे आने की फरमाइश की थी और आप हफ्ते को बना रखी थी, जुम्मे को बना दें तो हफ्ते को इंशाल्लाह बिरयानी बनाएंगे। जुम्मे को बनाएंगे ना जी? जुम्मे को बना दे बिरयानी तो। जुम्मे को क्या खास बात है? जी बिरयानी जुम्मे को बना देना। असल में हफ्ते को मैंने अनाउंस किया हुआ है तो दो रेसिपीज अभी हमारी बाकी है ना, तो वो कंप्लीट करके फिर हफ्ते से हम खानों पे आ जाएंगे, तो इसलिए सैटरडे को बना रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है। स्ट्रॉबेरी की आइसक्रीम जो है ना बता दें। क्या चीज? स्ट्रॉबेरी की आइसक्रीम। स्ट्रॉबेरी जी? स्ट्रॉबेरी का तो सीज़न चला गया, यहाँ तो नहीं मिल रही है। आइसक्रीम स्ट्रॉबेरी की चाहिए तो आपको मेरे यूट्यूब पे मिल जाएगी, कुकिंग विद फैसल आप सर्च करें यूट्यूब पे, वहाँ स्ट्रॉबेरी हमने बनाई थी लास्ट मंथ उसकी आइसक्रीम, तो देख लीजिएगा। ठीक ओके जी, थैंक यू। तरबूज ले लिया आप, इतना हो कि 4-5 कप जितना तरबूज, 1 पाव दही, 2 खाने के चम्मच चीनी, और मैंने इसमें डाला है रूह अफ़ज़ा 4 खाने के चम्मच। अगर रूह अफ़ज़ा नहीं है तो कोई और सिरप भी रेड डाल सकते हैं, ठीक है? तो लेकिन रूह अफ़ज़ा मेरे पास है तो मैं रूह अफ़ज़ा के साथ बनाइए ये लस्सी, ठीक है? हिंदाणो खड़ी वट जो बीज कटी वट जो बीज निकाल लीजिएगा अच्छी तरह और ठंडा यख करके, ठीक है? आइस क्यूब्स हों तो वो भी डाल दीजिएगा, लेकिन कोशिश करें इसको फ्रीज़र में रखें, ये बिल्कुल बर्फ़ की तरह ठंडे हो जाएं, फिर आप बनाएं तो ठंडी लस्सी बनेगी। और अगर आप आइस क्यूब्स डालेंगे फिर वो थोड़ा पतला हो जाता है, पानी हो जाता है, तो इसको फ्रीज़र में रख दें काट के 3-4 घंटे, ये खुद ही बर्फ़ की तरह ठंडे हो जाएंगे, फिर आप डालेंगी दही के साथ इसको ब्लेंड करेंगी, ठीक है? अब हम लेते हैं दो अच्छे खूबसूरत से ग्लास और इसमें हम निकालते हैं रूह अफ़ज़ा तरबूज की लस्सी, ठीक है? अच्छा, इसके ऊपर जब हम बनाते हैं तो एक झाग सी आती है लस्सी पे, इस तरह की ड्रिंक्स पे, इसको हमेशा मिक्स करके निकाला करें, ठीक है? इन तरीके से झाग इन दिया, ये लस्सी डाटी ज़बरदस्त ठंडी, तीन गिलास बन गए, ठीक है? वाइन गिलास हैं ये वाले गोल्ड वाले, तो ये तीन बनेंगे। अब ये है तुगबलंगा। तुगबलंगा क्या होता है? न्याजबू के बीज होते हैं, ये शरबत में डाले जाते हैं, तो ये 1 टेबल स्पून डाला, इसमें 1/2 कप पानी में भिगो दें इसको 15-20 मिनट, तो ये बड़ा ज़बरदस्त सा हो जाता है। तुगबलंगो हमें अंदर विझी छंदा से 1-1 टेबल स्पून जितना भीगा हुआ तुगबलंगा मिला दें, ठीक है? ये हो गया, और इसके बाद थोड़ा सा रेड सिरप ऊपर से डालेंगे, रूफ़ा मत्था का थोड़ा सा विजंदा सी, ठीक है? ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, शरबत बहुत, ये लस्सी बहुत ही मज़ेदार बनती है, ठीक है? अब लेते हैं थोड़ा सिरप इसके ऊपर टॉपिंग के लिए, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, बहुत मीठा हो जाएगा नहीं तो। तो ये आपने इस तरह ड्रिजल कर देना ऊपर से, ठीक है? इन तरीके से मत्था का थोड़ा सा ही टॉपिंग में छज्जो, इनका खूबसूरती अच्छी हिंदी चले। अच्छा, ये लस्सी जब आप बनाएं तो उसी वक्त आपने पीनी, ये नहीं कि आप इसको बना के रख दें फ्रिज में 1 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा रखें, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर ये पानी है तरबूज का, ये तो बहुत पानी अलग हो जाएगा और फिर वो अलग सा इसका टेक्स्चर बन जाएगा, ठीक है? तो ये हाथ के हाथ बनाएं, 1 घंटा पहले बनाएं, वो आपकी मर्ज़ी है, आप बना के इसको पिएं। हमारी दोनों रेसिपीज़ कंप्लीट हो गई, कल सुबह 9 बजे रिपीट चलेगा। कुकिंग विद शेफ फैसल है फेसबुक पे मेरा पेज, वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए सर्च करें सेंट टीवी HD कुकिंग शो, या कुकिंग विद फैसल भी देखें, उस पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है? ये हमारे बन गए हैं मिर्ची रोल, ठीक है? मज़ेदार ये हमारी रेसिपी बनी है, और कल हम बनाएंगे लाहौरी दही बल्ले, तो वो देखिएगा, उसकी फरमाइश भी है, ठीक है? सुभाणे ठाहींदासीं लाहौरी दही बल्ला, हुनजी फरमाइश भी हुई, त हे सुबुह जो रिपीट हलंदो 9 बजे। और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 03142675311, 03142675311 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे तमाम रेसिपीज़ के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई चीज़ पूछनी हो वॉइस कॉल्स कर सकते हैं, कुछ बात पूछनी है तो मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई भी कर सकता हूँ। 03142675311 मेरा व्हाट्सअप नंबर। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा,
कल बनाएंगे लाहौरी दही भल्ले, उसके साथ कल हम बनाते हैं इमली और आलू बुखारे का शरबत। ठीक है, इसकी फरमाइश आई है तो ये करते हैं। कल हम बनाते हैं लाहौरी दही भल्ले, इमली और आलू बुखारे का शरबत। कल ज़रूर देखिएगा दोनों रेसिपीज़, जिनकी जिनकी फरमाइश थी। तो कल आपसे मुलाकात होगी, दो उम्मीद रखिएगा। सुबाने ठाईंदासीं लाहौरी दही भल्ला, उन सां गॾु ठाहींदासीं इमली ऐं आलू बुखारे जो शरबत। पंहिंजो खोड़ सारो ख़्यालु रखिजो, दो उम्मीद रखंदो। अल्लाह हाफ़िज़। हाणे कुकिंग विद फैसल जा तमाम शो ॾिसो HD क्वालिटी में। विज़िट करियो असांजो YouTube चैनल सिंटी HD कुकिंग शो।